बीपीएससी 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 हर एक बच्चे के मुंह से निकलता था बीपीएससी बीपीएससी का सिलेबस क्या होगा। तो आज हम जानेंगे जो बीपीएससी का सिलेबस क्या होगा, बिहार सरकार ने रिलीज कर चुका है जो बीपीएससी का सिलेबस क्या होगा। तो देखिए पेपर वन में जो सिलेबस है, ठीक है ना, आप गौर से देखिएगा, पेपर वन का जो होगा उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले लैंग्वेज, ठीक है ना, क्या होगा लैंग्वेज, पेपर वन में है लैंग्वेज आपका। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो इसमें 100 नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कितने नंबर का, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसमें पार्ट वन में आपका 25 क्वेश्चंस आ जाएगा और पार्ट टू में आपका 75 क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि ओवरऑल आपका टोटल क्वेश्चंस कितना हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 हो चुका है, ठीक है ना। दोस्तों देखिए इसका ड्यूरेशन होगा यानी कि टाइमिंग होगा, वो टाइमिंग कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा, यानी 2 आवर्स का होगा। उसके बाद इसमें टोटल मार्क, इसका टोटल मार्क जो होगा वो आपका टोटल मार्क हो जाएगा, पार्ट वन का हो जाएगा यानी आपका कितना 25 और पार्ट टू का हो जाएगा 75, यानी कि टोटल आपका होगा कितना 100 मार्क का, ये होगा लैंग्वेज पेपर, ठीक है ना। अब उसके बाद चलते हैं इसका रिमार्क्सेबल, यानी कि मतलब इसका कहते हैं टिप्पणी, टिप्पणी देख लेते हैं, ठीक है ना। ये फॉर ऑल टीचर्स, ये जितने भी टीचर्स है ना, यानी प्राइमरी हो गए या हायर हो गए, ठीक है ना, उन दोनों के लिए ये क्या है, सभी टीचर के लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट है जो इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ये जो एग्जाम होगा ना टू पार्ट्स में होगा, ठीक है ना, कितने पार्ट्स में होगा, टू पार्ट्स में होगा। इसका जो सबसे मेन चीज होगा जो इंग्लिश कंपलसरी है, इंग्लिश लैंग्वेज इज कंपलसरी, जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो क्या है सबके लिए क्या कंपलसरी कर दिया गया है। इसके लिए इसके अंदर पार्ट वन में आपका इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा कंपलसरी है और पार्ट टू में जैसे हिंदी बंगाली अदरवाइज वगैरह वगैरह और जितने भी है सारे इसके अंदर रखे गए, हिंदी इंग्लिश। अब उसके बाद है नेक्स्ट जो इट सॉरी कैंडिडेट्स हैज टू ऑब्टेन मिनिमम 30% मार्क्स इन दिस पेपर। कैंडिडेट्स को कितना, यानी कि 100 में आपको कितना प्रतिशत, 30% मार्क लाना ही होगा, ठीक है ना। कितने परसेंट आपको लाना होगा, बस 30% मार्क आपको लाना है इस सब्जेक्ट में, ठीक है ना। पेपर वन में, पेपर वन में आपका लैंग्वेज में कितना आना चाहिए, पेपर वन, ठीक है ना। यहाँ देख लीजिए पेपर वन में आपका 30% मार्क होना नित्यांत है, अगर आपका 30% नहीं होता है तो आप सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखेंगे पेपर टू में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट में बदलाएंगे ना वो बात, वो सबसे ज्यादा अहम बात होगी आपके लिए, शॉक में आपको मतलब पूरा सदमा में डाल सकता है ये बात, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पेपर टू में देखिए, पेपर टू में आपका क्या हो जाएगा, जीके जीएस हो जाएगा, यानी कि जनरल स्टडी, जीके जीएस, ठीक है ना। अब जीके जीएस कितने क्वेश्चंस होगा, इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, 150, ठीक है ना। ये भी कितने, 2 घंटा का होगा एग्जाम जो होगा, ये भी आपका जीके जीएस का, ये भी 2 घंटा का होगा। इसमें भी टोटल मार्क्स कितना इसका हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स का अप्रोक्सीमेटली ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो ये भी 150 मार्क हो गया। उसके बाद अब इसका जो रिमार्क्स है वो देखिए गौर से, द फॉर प्राइमरी स्कूल टीचर, यानी प्रत्येक प्राइमरी स्कूल के टीचर के लिए ही केवल एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अब उसके बाद इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथ्स, यानी एलिमेंट्री मैथ्स होता है, मेंटल मैथ होता है, मेंटल एबिलिटी ऑफ टेस्ट, ठीक है ना। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो मेंटली मानसिक रूप से होता है उस टेस्ट, और जीएस यानी कि जनरल साइंस ज्योग्राफी हिस्ट्री ये सबसे थोड़े पर क्वेश्चंस आएंगे, आवश्यकता आवश्यकता। उसके बाद है जीएस क्वेश्चंस विल बी रिलेटेड टू द सिलेबस टू द प्राइमरी स्कूल, ठीक है। क्या कह रहा है, जो जीएस क्वेश्चन होगा जो रिलेटेड होगा प्राइमरी स्कूल की जितने बुक्स है ना उससे ही ज्यादा से ज्यादा रिलेटेड होंगे, उससे ज्यादा कोई बाहर वाहर से नहीं होंगे। लेकिन क्या है, ये जो टेस्ट लेने वाले होंगे टीचर वो क्या करेंगे, आपका थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें क्या कर देंगे, एबिलिटी यानी कि योग्यता टेस्ट हो रहा है ना, तो इसमें योग्यता टेस्ट के लिए थोड़ा सा इसके हाई मतलब हाई क्वालिटी के क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब जो मुख्य बातें हैं जो पेपर थ्री के वो देख लीजिए, पेपर टू वाले क्या थे, प्राइमरी के लिए थे, अब पेपर थ्री वाले जो है वो है सेकेंडरी के लिए, ठीक है ना। तो पेपर थ्री, ठीक है, पेपर थ्री में क्या है, सब्जेक्ट एंड, ठीक है ना, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडी, सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडी। उसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 150 होगा, पार्ट टू में वन में आपका होगा 100 नंबर का क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। उसके बाद टू में आपका 50 क्वेश्चन होगा। अब दूसरा है जो इसका समय कितना है, तो समय काल उतना ही 2 घंटे का मिल जाएगा आपको। और इसमें टोटल मार्क्स जो है जो 150 है, पार्ट वन में आपका है 100 मार्क्स एंड पार्ट टू में आपका है कितना 50 मार्क्स। अब देखिए इसका जो मार्क्स है वो टिप्पणी, जो फॉर सेकेंडरी स्कूल टीचर, ओनली फॉर किसके लिए है, सेकेंडरी स्कूल टीचर के लिए, ठीक है ना। अब पार्ट वन में जो है, पार्ट वन की बात देख लेते हैं, पार्ट वन यानी कि पार्ट वन में इज अ सब्जेक्ट पेपर हिंदी उर्दू मैथिली, ठीक है ना, हिंदी उर्दू मैथिली, इसमें से सेक्टर में से इसमें से आप किसी एक को आप पिक कर सकते हैं यानी चुन सकते हैं। अब पार्ट टू की बात करते हैं, पार्ट टू में देख लीजिए जो इसमें है जनरल स्टडीज, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथ्स, एलिमेंट्री मैथ्स आपका हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा आपका जीएस है, इंडियन नेशनल मोमेंट्स एंड ज्योग्राफी, यानी कि जीके जीएस रिलेटेड टू इंटरनेशनल नेशनल हाई लेवल का, थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा सा अप रहेगा बट क्वेश्चंस उतना ही
इजी होगा जितना आप थिंक करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम पेपर फोर की। सबसे लास्ट वाली पेपर फोर है, इसमें पेपर फोर में ये भी है जो सब्जेक्ट एंड जनरल स्टडीज। उसके बाद देखिए इसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा वो भी कितना होगा, सेम होगा 150, एंड पार्ट वन में भी 100 और पार्ट टू में आपका 50, ठीक है ना। ये भी 2 घंटे का एग्जाम होगा, ये क्या कहते हैं टोटल इसका जो मार्क होगा वो 150 का होगा, ठीक है ना। लेकिन पार्ट वन में आपका 100 और पार्ट टू में आपका 50। देखिए इसका जो रिमार्क्स है, ठीक है ना, वो है फॉर हायर सेकेंडरी टीचर, यानी कि हायर सेकेंडरी टीचर के लिए क्या है, फॉर हायर सेकेंडरी टीचर, ठीक है ना। इसमें देखिए कंसिस्ट पार्ट टू, इसमें भी 2 पार्ट्स है, ठीक है ना। पार्ट वन इज सब्जेक्ट पेपर कैंडिडेट्स हैज टू ऑप्शन एनी वन। अब इसमें सबसे मेन चीज ये है, जो आपको जिस सब्जेक्ट में आपको अभी रुचि है ना, उस सब्जेक्ट में किसी में से आप चूज कर सकते हैं। फिजिक्स तो फिजिक्स, बायोलॉजी तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री, जिसमें आपकी भूगोल तो भूगोल, इतिहास तो इतिहास, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, जो इसमें से हमको कौन सा पिक करना है। चलिए दूसरा है पार्ट टू। पार्ट टू में आपका है जो इज जीएस, इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री मैथ, इसमें भी जीएस है वही, ठीक है ना, 50 नंबर का, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी एब्सट्रैक्ट ज्योग्राफी, और क्या कहते हैं इंटरनेशनल न्यूज सब ये सब। अब उसके बाद है जो इट्स स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रिसेबल मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टअप में ही बता दिया था, जो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको एक सबसे अहम बात बताऊंगा जो आपके अकॉर्डिंग ये क्या ये सही है या गलत है, अपनी राय अपने कमेंट माध्यम से जरूर बताएंगे। तो सबसे लास्ट वाली पॉइंट ये है जो इसमें नेगेटिव मार्क ऐड कर दिया गया है, मतलब अगर आपका आंसर गलत हो रहा है तो आपका मार्क क्या होगा, 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे अहम मुद्दा ये था। और दूसरी चीज जो ये एग्जाम आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों हो रहा है, एग्जाम आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, दूसरी चीज। और ये इसमें जो आपका होगा प्रत्येक गलती के लिए आपकी मार्क को काट लिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इस एग्जाम को कंप्लीटली तैयारी करने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें।